और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और ये बड़ी खबर बिहार से है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के भूमाफियाओं को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि मैं लालू प्रसाद की पार्टी को चेताने आया हूं कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। अमित शाह ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार एक कमेटी गठन करेगी और जिन जिन ने गरीबों की भूमि हथियाई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और उन्हें जेल में डालने का काम भी किया जाएगा। तो गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार से भूमाफियाओं को सीधा सीधा कड़ा संदेश दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हो, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है, भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमिटी गठन करेगी, जिन जिनों ने गरीबों की भूमि कब्जाई है इसके लिए एक कमिटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। उधर महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की बैठक सोमवार तक टाल दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। वहीं एमबीए के नेताओं को प्रकाश अंबेडकर पर कोई भी टिप्पणी करने से बचने को कहा गया है। तो महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। महाविकास आघाड़ी की बैठक सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। बताया यह जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर की मांग पर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की जो रैलियां हो रही है, खासकर कांग्रेस की रैली जो हो रही है राहुल गांधी की ओर से, उसे बायकॉट करने का फैसला किया है। कहा यह है कि जब तक सीट शेयरिंग पर कोई सहमति नहीं बन जाती तब तक हम इस रैलियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं इधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फंस गया है। कल सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। खबर इस बात की भी है कि दोनों ही पार्टियां सीटों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि गठबंधन में सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे को लेकर गंभीरता नजर आ रही है। और उधर शिवसेना, उद्धव गुट ने दावा यह किया है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है, सीट बंटवारे को लेकर जो भी मसला है उसे सुलझा लिया जाएगा। हालांकि बीए ने प्रकाश अंबेडकर से दावा यह किया है कि अभी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जो लिस्ट हमारे पास वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने दी थी कि ये सीट हम लड़ सकते हैं, लगभग हमने जो सीटें उनको ऑफर की है वो सीटें उनकी लिस्ट में हैं, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। प्रकाश अंबेडकर जी बड़े नेता है, हमारे प्रिय नेता है, हम उनको सब चाहते हैं, लड़ाऊ नेता है, उनकी भावना मैं समझ सकता हूँ। कार्यकर्ताओं का दबाव होता है ज़्यादा सीटों के लिए, फिर भी हम उनका समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे और हमें चाहते हैं जो सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सदस्य के रूप में मिलेगी वो सब मिलकर हम जीत कर लाएंगे। आप अपना तालमेल जोड़ दो ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें, क्योंकि इनका अगर जो तालमेल नहीं हुआ, हमने उनके सामने जो दिक्कत है वो हम पेश कर रहे हैं वो है ये है कि इनका अगर तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने पत्ते या हमारी स्ट्रेटेजी खोलने का कोई मतलब ही नहीं है इनसे। फिर बातचीत कैसे हो, किस संघ से हो, इसका विवरण मेरे ख्याल से अलग से होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।